बिहार में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का कहर झेल रहे बच्चों को लेकर पत्रकारिता का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसे आज की पत्रकारिता के साथ ही पत्रकारों पर भी सवाल खड़े होते हैं। बिहार में इंसेफ्लाइटिस के कारण मासूमों की हालत पर आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप कैमरा और माइक लेकर लाइव कवरेज के लिए सीधे मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। इससे जुड़ा वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आम जनता ने इसकी खूब आलोचना की। बिहार में चमकी बुखार के कारण कई मासूमों की जान जा चुकी है, कई परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, गांवों में मातम छाया हुआ है। ऐसी गंभीर स्थिति में अंजना ओम कश्यप आज तक की तरफ से स्पेशल रिपोर्टिंग करने श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज पहुंची। अस्पताल के ICU में पहुंचकर वो डॉक्टरों से सवाल पर सवाल करती थी, आखिर आप एक बेड पर 2-3 मरीजों को क्यों रख रहे हैं, बच्चा कब से इलाज के लिए आपका इंतजार कर रहा है, आप उसे क्यों नहीं देख रहे हैं, अस्पताल में अगर सुविधा नहीं है तो बीमार बच्चों को भर्ती ही क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर उनके हर एक सवाल का जवाब दे रहा था, वो कह रहा था कि एक एक करके वो मरीजों को देख रहा है और ध्यान रख रहा है, फिर भी अंजना ओम कश्यप चीख चीख कर सवाल पर सवाल कर रही थी। और क्या उन्हें इस बात का ध्यान नहीं था कि ICU में तेज चिल्लाने से मरीजों को परेशानी होगी। इस दौरान वो भूल गई थी कि इस तरह की पत्रकारिता करते हुए उन्होंने डॉक्टर का ना सिर्फ समय बर्बाद किया बल्कि बीमार बच्चों के इलाज में और ज्यादा विलंब का वो कारण भी बनी। वास्तव में अंजना ओम कश्यप को अगर बिहार में चमकी बुखार के कहर को लेकर सवाल पूछने और वजह जाननी थी तो उन्हें अस्पताल के कुप्रबंधन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करने चाहिए थे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल करने चाहिए थे कि आखिर इस गंभीर मामले को लेकर हुई बैठक में क्रिकेट के स्कोर क्यों पूछे जा रहे थे। मरीजों का इलाज सही से हो, अस्पताल में सभी जरूरत के सामान उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करना तो अस्पताल के प्रबंधन और उस राज्य की सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। क्या ये काम डॉक्टर करेंगे? ICU में वो मरीज होते हैं जो जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रहे होते हैं। डॉक्टर का एक एक पल मरीजों के लिए कीमती होता है और अंजना ओम कश्यप वहां जाकर डॉक्टर का समय बर्बाद कर रही थी। आपकी इस लापरवाही से मासूमों की मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता था अंजना जी, लेकिन आपको इसकी परवाह नहीं। अगर परवाह होती तो शायद बिहार सरकार से सवाल करती कि आखिर अस्पताल में सभी व्यवस्था क्यों नहीं है, क्यों मरीजों के लिए डॉक्टरों की संख्या कम है। अगर इस तरह की पत्रकारिता करके आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी कवरेज की और आम जनता को जागरूक किया है तो आप पूरी तरह से गलत है। पत्रकारिता सही रिपोर्टिंग दिखाने और निष्पक्ष होकर सरकार से सवाल करने और आम जनता को जागरूक करने का नाम है, ना कि चीखने चिल्लाने और किसके कार्य में बाधा उत्पन्न करने का। अगर वाकई आपको बिहार में मासूमों की चिंता है तो इस मामले में वहां के प्रशासन की पोल खोलिए, ना कि डॉक्टरों का समय बर्बाद करें।